हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है रामनवमी, सो जय श्री राम, भारत माता की जय। ये वीडियो कोई बीजेपी तृणमूल ये सब लेके नहीं है। आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ बेस्ड ऑन दैट, यू कैन से लीगल स्कैम ऑफ रियल एस्टेट। मतलब रियल एस्टेट वालों के लिए एक अनऑफिशियल लीगल स्कैम कैसे हेल्प करता है और क्या काम करता है, क्या तरीका है और कैसे आप लोग स्कैम्ड होते हो, उस चीज़ के ऊपर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और सिर्फ ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप सभी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है जो पिछले 10-15 साल में फ्लैट खरीदा है, जिसका अभी रिसेंटली लिया है, जो लेने वाला है उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये गेम क्या होता है। देखिए, मैंने क्या बताया कि ये जो वीडियो है ये है रियल एस्टेट स्कैम लेके, अनऑफिशियल डिक्लेयर्ड, और पेपर में कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मैंने नाम दिया है लीगल स्कैम ऑफ रियल एस्टेट। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 फ्लैट है। सबसे मैंने पहले एक फ्लैट लिया था 2 BHK का, तो मेरा लाइफ का फर्स्ट फ्लैट था, जो मेरे को लेने के बाद लगा यार ये तो बहुत छोटा है, 800 स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया और भी कम, 24% माइनस करो तो बहुत कम है। और उसमें 6 महीना डिले भी था, कंपेंसेशन भी मेंशन किया हुआ था तो कंपेंसेशन दिया नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ पे रह रहा था कुछ दिन, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब एकदम बकवास, सीधा बात है तो एकदम बकवास। बट ये एक था, मैं नाम नहीं कहूँगा अभी, ये एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फ्लैट खरीदने वाले हो, और मेरा इन्फॉर्मेशन उनको भी हेल्प करेगा जो ऑलरेडी फ्लैट ख़रीदा है और सफर्ड है, उनको भी हेल्प करेगा। थोड़ा सा टाइम दो, मेरे ख्याल से जब मुश्किल से 15-20 मिनट का शायद वीडियो बनेगा, उससे भी कम। हाँ, तो कंपेंसेशन मेरे को नहीं मिला, उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, एक कम्प्लेक्स में था जिसमें क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, ये सब कुछ था। मैं तब ज़्यादा उम्र भी नहीं था मेरा, तो मैंने लिया था। मैं जब गया तो मेरे सामने एक मस्त टकाटक ब्रोशियर खोल के रख दिया, सर कॉफ़ी, सर चाय, एनीथिंग यू हैव लाइक टू हैव सम समोसास, एंड देन से सर दिस इज़ द प्लान, ये सीडी रहा, अब ये सीडी को घर पे जाकर आराम से देखो, मतलब ब्रेन को और भी वॉश कर लो, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे आपका गाड़ी पार्क रहेगा, इसमें ये होगा, वो होगा, भंग, ये वो, जैंटी, बहुत कुछ एकदम दिमाग में एक स्टार आ गया मेरा। अरे ऐसा है, मस्त एकदम लाइफस्टाइल में मस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा वाला लाइफस्टाइल, जहाँ पे ये आलतू फालतू लोग नहीं रहेगा, कचरा नहीं रहेगा, चीज भी नहीं रहेगा, अपना मस्त बन गया। मैं बुढ़वक ले लिया। फिर 6-7 साल के बाद, ये मेरा ही लोकेलिटी का बात कर रहा हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनने लगा, वहाँ पे एक 3 BHK। तो मेरा चॉइस था कि 3 BHK हो, बड़ा फ्लैट हो, जिसके अंदर मैं मतलब मस्त खेल सकूँ ऐसा। फिलहाल मैं जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ वो 1825 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK है, और ड्राइंग एरिया इज़ ह्यूज, लाइक 25 फीट बाई होगा 18 फीट का, और लंबा कॉरिडोर वगैरह है जो भी है। तो मैंने पहला बोला छोटा इसलिए था, मेरा जेब में पैसा नहीं था, मैं एक बाय प्रोफेशन मैं एक मेरिन इंजीनियर, तो मैं तब शुरू में था, इनकम किया मैंने, लिया मेरे लिए घर, बाद में मेरा देखा कि ये बहुत छोटा है, क्योंकि मेरा खुद का पेरेंटल हाउस है, वो विलेज में है, थोड़ा इंटीरियर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वो जगह को तो कभी छोड़ना नहीं चाहता, ना छोड़ पाऊँगा, बट बिकॉज ऑफ इट्स इंटीरियर, नो एक्सेस ऑफ द एम्बुलेंस कार और इमरजेंसी स्टाफ,
तो मैंने एक फ्लैट लिया ये सब सोच के, तो वो मेरे लिए छोटा पड़ गया। बाद में मैंने 3 BHK ढूंढा है, जो जहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पे मैं अभी एक्चुअली रह रहा हूँ, मेरा टारगेट ये था, लेकिन मेरे को ये मिला नहीं था, ऑल सोल्ड। तो मैं इसका ही दूसरा एक प्रोजेक्ट में लिया, 3 BHK, जो 1060 स्क्वायर फीट, मैंने बुक कर दिया और 3 टाइम मैंने इंस्टॉलमेंट दिया। बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है, मतलब इंस्टॉलमेंट है, वो बैंक बैंक फ्री है, ऑन कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट। तो मैंने 3 इंस्टॉलमेंट दिया। इन द मीन टाइम वही समय पे इसी प्रोजेक्ट में मैंने बोल के रखा था, तो एक भाई ने मुझे बोला कि दादा एक ऐसा ऐसा फ्लैट है, 3 BHK, 3 BHK है, लेक व्यू है, और इसका ये बंदा सेल करना चाहता है, रीसेल करना चाहता है। तो मैं बोला हाँ ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट दे दो और तुम्हारा क्या कमीशन है। तो लड़का एकदम ही सीधा साधा था, देन ही सेड नो 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 सर, कोई कमीशन वमीशन नहीं है, आपको मैं कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, आप बात कर लो। मैं बोला चलो ठीक है। तो वो भाई ने कॉन्टैक्ट दे दिया, मैंने फ़ोन किया, उसने बोला हाँ ठीक है, चाबी भिजवा दिया। मैंने फ्लैट देखा, फ्लैट देखते ही मुझे पसंद आ गया और मैंने फ्लैट खरीद भी लिया, उससे खरीद लिया। पेंटिंग वेंटिंग के एकदम ब्रांड ब्रांड न्यू फ्लैट था, कोई यूज़ भी नहीं किया था, तो मैंने पेंटिंग वेंटिंग करके मैंने रहना शुरू कर दिया। तो ये सवाल कैसे आया, मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो अभी मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। आप सुनिए, जो मैंने दूसरा वाला जो फ्लैट लिया था, अभी मैं सोचा कि चलो वो पैरेलली चल रहा है, चलने दो, आएगा मैं उसको भाड़े पे लगा दूंगा, बेच दूंगा, और ऐसे ही 2018 में उसको हैंड ओवर होना था। 2018 में हैंड ओवर होना था, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था पिछले 8 साल से सभी लोगों का सुन के, जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपको, और भी ऐड करके, जो नया नया स्कीम इन द नेम ऑफ, आई मीन नया नया स्कैम इन द नेम ऑफ स्कीम, इन लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया ताकि पब्लिक और भी बने, तो वो ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे को मालूम था 2018 बोल रहा है, ये 2018 नहीं होगा, ये होते होते 2020 शुरू में दे देगा। तो कंस्ट्रक्शन तो उधर धड़ाधड़ चल रहा था भाई, धड़ाधड़ चल रहा था। 2018 तक 98% जॉब डन, इज अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज नो डाउट मच बेटर देन द अदर वन, मच बेटर, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्वालिटी के लिए। तो धड़ाधड़ चल रहा है, बाद में काम बंद हो गया। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, तो मैं इधर उधर, मेरा आँख के सामने कंस्ट्रक्शन है, तो पता किया, तो बोलता है कि अभी प्रोमोटर के पास पैसा नहीं है, प्रोमोटर के थोड़ा ये है, लेकिन हो जाएगा सर, हो जाएगा, डोंट वरी, विद इन 6 मंथ ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मज़ेदार बात यह है कि हम में से बहुत सारा बायर ना, मेरे को तो मालूम था, लेकिन बाकी बहुत सारा बायर उस वो कुछ बोला नहीं ज़्यादा, बिकॉज ऑफ जो अलॉटमेंट, या क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर जो था, अलॉटमेंट लेटर के साथ जो भी GTC था, टर्म एंड कंडीशन का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, अगर हम लोग प्रॉपर्टी देने के लिए डिले करें ऑन टाइम, लाइक आज आपने ख़रीदा, 38 मंथ के बाद अगर हम लोग दे नहीं पाए, तो हर महीना आपको 12,000 या 13,000 रुपया हम लोग रेंट देंगे, या कंपेंसेशन, वो लोग यूज़ करते हैं टर्म कंपेंसेशन, कंपेंसेशन देंगे। तो लोग तो खुश है भाई, 12,000 रुपया महीने में आ रहा है, हमको क्या आना जाता है, लेट करो लेट करो, और कितना है लेट करो, और मेरे को तो मालूम है ये कुछ नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, तो अभी चलता गया, 2020 में आ गया कोरोना, तो कोरोना के लिए टोटली काम बंद। अभी फ़िलहाल बात चल रहा है, मतलब काम भी हो रहा है बहुत स्पीड में, और बात चल रहा है कि 1-2 दिन के अंदर, आज है, आज तो रामनवमी, आई थिंक 21 अप्रैल, तो आज 1-2 दिन के अंदर ये लोग हैंड ओवर लेटर प्रोसेस भी करेंगे, जिसमें ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये चीज़ एक समझ में रखिए, कॉम्प्लेक्स, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, कॉम्प्लेक्स स्कैम, जिसमें जो मल्टी लेवल कार पार्किंग था, वो कहा गया कि वो थोड़ा डिले होगा, जो उसका दूसरा प्रोजेक्ट में भी अभी तक हुआ नहीं, 3 साल हो गए हैंड ओवर हो गए, तो वो थोड़ा डिले होगा बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल, लेकिन वो मिलेगा, आपको मिलेगा।
एंड व्हाट अबाउट द कंपनसेशन, कंपनसेशन कितना हो गया? सर आपको तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो जब सर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा मुझे बता दिया, मैंने चारों तरफ ये बात फैला दिया कि भाई मुझे तो बोल दिया है मुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या था, जीटीसी में जो पेपर होता है उसमें लिखा रहेगा कि अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट डिले किया देने के लिए, चाहे एक दिन का भी क्यों ना हो, ओनली वन डे, उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, एज वेल एज यू कैन नॉट क्लेम, आप कभी भी कंपेंसेशन क्लेम कर नहीं सकते हो, बस इतना ही लिखा है। तो मैंने ये बात सबको बताया, करीबन 400-500 लोग, सभी लोगों ने भाई क्वेरी करना शुरू कर दिया। उनमें से 2-3 लोगों को कंपेंसेशन बोला है कि मिलेगा, लेकिन कभी मिलेगा वो नहीं बताया, मिलेगा, और बाकी लोग मीन्स 99.95% 0.05 को मिला और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने मीटिंग भी किया उन लोगों के साथ, मीटिंग करने के बाद वो लोग बोला सर हम तो आपके पास से इंस्टॉल इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते थे, हम लोग इंटरेस्ट सोच रहे हैं कि हम लोग वापस कर देंगे। तो मैंने उसको बोला भाई तुमने मेरा क्या डिले था, अभी पहले मैं बोल देता हूँ मेरा क्या डिले था, जितना भी मैंने पेमेंट किया था उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस 3-4 इंस्टॉलमेंट में एक एक दिन का डिले, और ये मेरा डिले नहीं था, और मैंने तो टाइम में चेक दे दिया, चेक जब कैश होके आया तो एक दिन का डिले, ये नेचुरल है। तो उसके लिए मेरे को इन लोगों ने 16 रुपया 32 रुपया ऐसा करके इंटरेस्ट मार दिया, और मेरे को नहीं सभी लोगों को वो दे दिया। हाँ तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, तो तुम एक चीज़ बताओ मुझे, तुम्हारा ये जीटीसी में कहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम तो मुझे नहीं दोगे, ये लिखा हुआ है इस रीज़न पे, तो उसके बाद तुम लोग कितना साल लगाओगे एक फ्लैट देने के लिए, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 37-38 वीक्स तक फ्लैट मिल जाएगा, अगर नहीं देंगे तो उसके बाद हर महीना कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन कितना महीना तक, कितना महीना, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, कितना महीना तक, वो लिखा हुआ नहीं है। और मेन चीज़ आप लोग जब भी ये सब चीज़ ईमेल करते हो ना, वो लोग आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, जान लो ये चीज़, वो लोग आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई रिप्लाई आता है ना, सॉरी भी आता है लिख के, दैट इज़ द लीगल सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सो इफ़ यू गो टू द कोर्ट, तो आपको वो केस फटाक से जीतने का चांसेस रहता है कि हाँ यू एग्री, यू आस्क क्वेश्चन एंड कंपनी एग्री दैट एग्री विद देयर मिस्टेक्स। तो ये लोग कभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या करूँ, कोर्ट में जाऊँ, 6-6 साल 7-7 साल लड़ूँ इन लोगों के साथ, या बोलो भाई मेरा 3-3.5 लाख रुपया हुआ है कंपनसेशन, छोड़ दे मेरे को, तू मेरा फ्लैट दे दे, मैं लेके निकल जाता हूँ। मैं वही करने वाला हूँ भाई, मेरा तू मेरे को मेरा फ्लैट दे दे, मैं लेके जाता हूँ, मेरे को कोर्ट वगैरह का हेडेक नहीं चाहिए, और ना ये सब चीज़ों में मेरे को पढ़ना है, मेरे पास ना टाइम है, पैसा भी है लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। और कुछ लोग हैं जो जाएगा कोर्ट पे, बेमतलब अपना गुस्सा उधर निकालेगा, एक दिन आएगा हाथ ऊपर करके आ जाएगा भाई थक गया, क्योंकि इन लोगों का ऐसा है, मैं क्यों नाम दिया है कि ये लीगल स्कैम है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, बिकॉज ऑफ एक टाइम में आपको ऐसा लगेगा ना ये हर एक चीज़ मिला जुला है। मैं आपको इसका एक कम्बिनेशन जो है ना वो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, वो अप्रूव्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका रिकॉर्ड चला जाता है सीधा रेरा और हीरा, WB हीरा वेस्ट बंगाल के लिए, इन लोगों के पास गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, तो इनको भी पता है कि ये प्रोजेक्ट 38 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो एज़ पर GTC ये टर्म है इसको ये पैसा देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये लोग यही सब कांड करता रहता है, और गवर्नमेंट आँख बंद करके पड़े रहते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ गवर्नमेंट को पता है अगर मैंने इस कंप्लेन जो चारों तरफ से कस्टमर का आ रहा है सेपरेट कंप्लेन, अगर मैं इसको एंटरटेन करूं और प्रोमोटर या बिल्डर को मैं सस्पेंड कर दूं, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दूं, उसको जेल में डाल दूं, तो मेरा ही लॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक प्रोमोटर कोई भी बिल्डिंग प्रोमोट करता है तो सबसे पहले आ जाता है बैंक, भाई मैं आपको फाइनेंस करूँगा, आपका जो कस्टमर है मेरे तक पास भेज दो। बैंक जब इंटरेस्ट लेगा मेरे तरफ से, मेरे पास से, उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाएगा, राइट। चलो दूसरा चीज़ है, जब रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री के टाइम पे भी गवर्नमेंट आपसे
रजिस्ट्रेशन फीस लेगा, टाइम में हो चाहे ना टाइम में हो। टाइम में हो तो अगर आज के तारीख में आपका कोई भी फ्लैट हैंडओवर है और आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पकड़ लीजिए 1,00,000 रुपया है, अगर वही फ्लैट 5 साल डिले हो जाता है और आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है 5 साल में, लेकिन 5 साल के बाद जब आप रजिस्ट्री करने के लिए जाते हो तो आपका एरिया का जो म्यूनिसिपैलिटी है और जो कॉरपोरेशन है ना, वो दिखाएगा भाई इधर का तो वैल्यूएशन पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये है अभी 1,00,000 रुपया नहीं है कम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, अभी ये हो गया बढ़ के 1,50,000 रुपया। तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बैंक वाले का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बिल्डर का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और एक दूसरा भी एक प्रॉफिट है, हर एक 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होता है तो रैली वैली तो चलता ही है, और रैली के लिए पैसा कहाँ से आएगा, प्रोमोटर, एक प्रोमोटर ही है जो पैसा देगा उसको रैली करने के लिए, बिकॉज प्रोमोटर यू आर मेकिंग मनी सो यू हैव टू गिव समथिंग, सो प्रोमोटर खुशी खुशी दे देता है भाई जाओ हाँ भाई ऐश करो। तो बेसिकली हाँ वही हम जो आप सोच रहे हो, हम बनते हैं, ये लोग बनाते हैं, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का हो गया, ऑल ओवर इंडिया का सब जगह पे यही स्कैम चल रहा है, दबा के चल रहा है, गवर्नमेंट को पता है। और रिसेंटली मैं जिस प्रोजेक्ट में रहता हूँ, इस प्रोजेक्ट का रेपुटेशन तो बहुत ख़राब हो गया, लेकिन बिल्डर जो है मतलब कंपनी का नाम एंड कंपनी का ओनर का नाम खराब हुआ है लास्ट पिछले 5-8 साल में, इसने जो डिले किया इसका भी अनऑफिशियली ये बताता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने हमें बहुत लूटा, हम परेशान हो गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी फटाफट सब काम हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग लॉस में थे, हमारे पास पैसा नहीं था, एक्सक्यूजेस आई टेक इट एज ग्रांटेड एज एक्सक्यूजेस, गवर्नमेंट ने तुमके साथ क्या किया मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुमने मेरे पास से पैसा लिया ना तुम मेरे को फ्लैट दो दैट्स ऑल, या तो कंपनसेशन दो, तो जो आपको मिलने वाला नहीं है आपको फ्लैट मिल जाएगा। तो दिस इज अ स्कैम ऑफ कॉम्प्लेक्स और द बिग बिल्डर्स। तो पिछले कुछ साल में इसका नाम खराब हुआ है, लेकिन हाँ इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, नाम खराब हो चुका है तो अभी इसका नाम को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने कुछ तो इंटरनली किया है जिसमें इकोनॉमी ऑफ इंडिया या टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले, कि ETNow में भी आया था कि ये प्रोजेक्ट कलकत्ता रिवर साइड रिवर बैंक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इन कमिंग 5 or 6 years ये कलकत्ता का वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप बनने वाला है। और जो सच में एक्चुअली में हकीकत है वो एक्चुअली बन जाना चाहिए था 2 साल पहले, ये सब इन लोगों का गेम के चक्कर में तो हो गया कांड, बनने वाला है तो ठीक है मैंने मान लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन ये स्कैम जो है ये तो स्कैम ही है। ये किस नज़र से आप बताओगे कि ये कोई स्कैम नहीं है, जबकि हजार हजार लोग स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को ईमेल कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स कर रहा है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, हमें फ्लैट नहीं दिया जा रहा है और पैसा वापस मांगता है तो पैसा भी बोल रहा है कि 2-3 साल लगेगा पैसा देने के लिए, किसी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये क्या है, कोर्ट में जाओगे? मेरा एक दोस्त ने कोर्ट केस भी किया है भाई, जिस दिन इसका केस का डेट आता है उस दिन जज बीमार रहता है, जज का मम्मी को कोरोना हो जाता है, जज मर जाता है, जज का ये वो लगा रहता है, या तो कोर्ट तो बंद ही है अभी हो गया है, तो ये स्कैम नहीं तो ये क्या है, ये तो स्कैम है। ऊपर से बैंक जिसका बैंक में चल रहा है लोन, बैंक वाला मस्त, अभी मैं कंपनसेशन के बात कर रहा हूँ, ये भी आप पार्ट सुन लो, कंपनसेशन में जो बैंक लोन में कंपनसेशन होता है ना उसमें तो आप भूल ही जाओ कंपनसेशन आपको मिलेगा, क्योंकि बैंक कभी भी ऑन डेट पैसा नहीं देता है। बैंक क्या बताता है कि हम लोगों का जो क्लेम हुआ है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको वेरीफाई करेंगे, प्रोजेक्ट का क्या सिचुएशन है सब कुछ वेरीफाई करके पैसा देंगे, बैंक पैसा दे देगा, लेकिन अगर मान लो आपका 15 तारीख को डेट है ना पैसा देने के लिए, बैंक उससे और भी 5-7 दिन के बाद ही पैसा देगा, ये नेचुरल है, लेकिन उस मामले में भी नाम नहीं लेंगे बिल्डर, आपको कहेंगे नहीं सर
आपका तो 5 दिन लेट है या 10 दिन लेट है, आप जाके बैंक में बात करो। आप बैंक में बात भाग के जाओगे, बैंक बोलेगा यही प्रोसेस है, आप जाके उनसे बात करो, ये हमारा यही प्रोसेस है बैंक का, क्या उन लोगों को पता नहीं है? अगर ऐसा है आप लीगल एक्शन लो। आप क्या जाओगे लीगल एक्शन लेने के लिए? तो बेसिकली इस ब्लडी स्कैम। तो अगर आपको घर लेना है, अभी आता हूँ एक मुद्दे पे, जिन लोगों ने घर नहीं लिया है, मैंने उनको ये चीज़ सुनाया इसलिए ताकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए सेफ गेम कैसे खेला जाए। घर तो सबको चाहिए आज के तारीख में, लेकिन सेफ तरीके से कैसे घर लिया जाए, क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस मुझे एक चीज़ बताता है और आप भी एग्री करोगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन, एक सेकेंड मैं रुक जाता हूँ, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। अभी देखिए दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है स्टैंड अलोन बिल्डिंग, जो प्रोमोटर एक ही है, वो एक ही बिल्डिंग बना रहा है एक एरिया में, ठीक है, या 10 प्रोमोटर मिलके एक ही बिल्डिंग बना रहा है एक एरिया में, वो है स्टैंड अलोन बिल्डिंग। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, जिसमें हजारों फ्लैट बनता है, 20-40 टावर बनता है, दो हो गया। दोनों में बेनिफिट और लॉस क्या है? स्टैंड अलोन बिल्डिंग में आपका मेंटेनेंस अमाउंट बहुत कम रहेगा। अगर स्टैंड अलोन में 500 होगा तो उसमें 2000 होगा कॉम्प्लेक्स में। स्टैंड अलोन बिल्डिंग में प्रोमोटर आपके साथ स्कैम ज़्यादा करेगा नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट अ बिग शॉट, सो वो थोड़ा आराम से ही करेगा, कर देगा आपको। मटेरियल वाइज डिपेंड करता है उसका गुडविल। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, ये इन लोग तो मतलब हम कस्टमर हैं, हमारे पैसे से तुम कमा रहे हो, लेकिन उसके सामने तो हम कुत्ता है, ठीक है, बस एकदम सच बोल रहा हूँ कि उसके सामने कॉम्प्लेक्स वाला जो प्रोमोटर है ना, उनके सामने हम कुत्ता ही है, जैसे कि वो हमको फ्री में दे रहा है, उसके मर्जी में सब कुछ चलता है, उसका सेटअप चारों तरफ लगा के रखा है, वो चाहे हीरा रेरा हर जगह पे उसका सेटअप है, हर जगह पे। और अगर कोई हीरा रेरा में काम करने वाला ये वीडियो देख रहे हो ना, आप मुझे सवाल कर सकते हो, आप कैसे क्यों बता रहे हो, तो मैं उसको एक ही जवाब दूंगा, क्या आप लोगों को पता नहीं चलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, हर प्रोजेक्ट में क्या होता है? तो उसके बावजूद भी आप लोग बैठे बैठे क्या इंतज़ार करते हो कि पब्लिक आके कब यहाँ पे हंगामा करेगा? क्या आप लोग खुद जाके उसको हाईलाइट नहीं कर सकते हो, मीडिया लेके जाके? पब्लिक का पैसा लेके मजा कर रहा है यहाँ पे, कौन सा रूल्स कौन सा क्या है, जाओ ना जाके करो ना, नहीं कर सको तो ठीक है। तो हाँ, कम टू द पॉइंट, तो ये एक चीज़ हो गया। तो अभी आपको कैसा फ्लैट खरीदना चाहिए? देखिए मेरा सजेशन ये है, वो चाहे स्टैंड अलोन हो या कॉम्प्लेक्स हो, फ्लैट आप तभी खरीदो जब वो एकदम रेडी टू हैंड ओवर है, और जब पब्लिक को हैंड ओवर मिल गया है, पब्लिक वहाँ पे आस्ता आस्ता घुसना शुरू किया है, आप तभी फ्लैट लो। दैट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट साइट टू बाय एंड प्रॉपर्टी। आपको ये सवाल आएगा, अरे उसमें तो लॉस है, दाम तो ज़्यादा होगा। यस, दाम आपको ज़्यादा होगा। मान लीजिए 5 लाख रुपये आपको ज़्यादा दाम पड़ेगा, 7 लाख रुपये आपको दाम ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि वो आपके लिए प्रॉफिट है। बिकॉज ऑफ, अगर आप 5 साल इंतज़ार करते हो ना, और आप कोई भाड़े का घर पे रहते हो, तो 5 साल में उसका रेंट कितना देते हो, एक, और नंबर टू, 5 साल आपने जो सफ़र किया, जो डिले का सफ़र किया, दो, और तीन, आप साथ साथ रेंट भी दे रहे हो, बैंक का भी लोन निकल रहे हो, और आपको ये भी नहीं पता है कि 5 साल के बाद 6वीं साल में मिलेगा या 6 से भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो 5-6 लाख रुपया बचाने का चक्कर में अगर आप ये जो चीज़ बताए ना, इसका कैलकुलेशन करोगे ना, ये 5-6 लाख के बराबर आ जाएगा आपका, तो आपका कोई लॉस नहीं है। हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है, बिंदास आप जाओ रिस्क ले लो, थोड़ा अच्छा जगह पे जाओ, कॉफ़ी शॉपी खाओ, ब्रांडेड कॉफ़ी पियो, रिस्क ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ है, कॉम्प्लेक्स में अगर आप जब फ्लैट लेते हो, सेम पॉलिसी, आप पहले देखो कि हाँ यहाँ पे रेडी टू मूव है, लोग रहना शुरू किया है। दूसरा चीज़, कितना लोग रहते हैं। तीसरा चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों को
डायरेक्टली अगर पॉसिबल है तो जाओ जाके पूछो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। जो सफ़र करता है ना, 100 में से 90 लोग, 90% लोग सच बोल देता है, 10% बोलेगा नहीं बहुत मस्त करक आप भी फंसवास, लेकिन 90% लोग सच बोलता है। तो आपको फीडबैक मिलेगा एक प्रोजेक्ट का। कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस ज़्यादा है, इसमें मेंटेनेंस कम। दूसरा चीज़, जैसे कि स्टैंडल ऑन बिल्डिंग में जब आपको एसोसिएशन हैंडओवर किया कर दिया जाता है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम यह है कि एक लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट का पूरे साल में मान लीजिए 70 या 80 हज़ार रुपया का MNC लगा हुआ रहता है मेंटेनेंस के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर वाला बोलेगा या सेकंड फ्लोर वाला बोलेगा, भैया हम तो इतना पैसा शेयर नहीं करेंगे, मैं तो लिफ्ट नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे को लिफ्ट चाहिए भी नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर आ जाऊँगा। तो थर्ड फ्लोर से लेके बाकी जो फ्लोर है ना, उन लोगों को ही मजबूरी से देना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स पे ये नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में एक मैनेजमेंट काम करता है, दे बाउंड टू पे और मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट और क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स में बेहतरीन रहता है, जबकि स्टैंडअलोन बिल्डिंग में बहुत ही लो परसेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मेंटेनेंस देखने के लिए मिलेगा। ये डिपेंड करता है जो ओनर्स वहाँ पे रहता है उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, वो लोग कैसा है उसके ऊपर। सॉरी, तो ये चीज़ में ध्यान दीजिए किसी भी चीज़। और एक ये इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में आप जब कॉम्प्लेक्स में रेडी टू मूव फ्लैट लेने के लिए जाओगे ना, आप विजुअली देख सकते हो कि ये क्या है। और दूसरा चीज़, कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, स्विमिंग पूल, जिम, ये वो प्रॉमिस्ड रहता है ना फैसिलिटीज़, जाके आप देख सकते हो कि वो है क्या नहीं है। अगर नहीं है मत लो, क्योंकि वो अगले 5 साल में भी नहीं होने वाला है तो ही लो। और बाकी तो आपके ऊपर है, आप आपका पैसा है, आप कैसे जमा करोगे। कोर्ट पे जाके कोई भी फ़ायदा नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, ये सब दिखावा है, सब बकवास है। ये लोग आपके साथ तभी रहेंगे, आपके फोर में या जल्दी डिसीजन तभी देंगे, जब एक ही प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन करता है। तब अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3000 फ्लैट है और मात्र 20, 22, 25 या 30 लोग जाके केस किया है ना, तो भैया समझ लो ये तो हो गया, 5, 6 साल, 8, 10 साल भी लग जाएगा इसका रिजल्ट निकलते निकलते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई कोर्ट इंटरटेन करेंगे नहीं। दूसरा क्या चीज़ है, जो मेन चीज़ है, मैं केस करने के लिए क्यों मना करूँगा, देखिए हम लोग जो फ्लैट खरीदते हैं, हम लोग जॉब या प्रोफेशन इज़ डिफरेंट। हम लोगों को ये घर चाहिए रहने के लिए, ना कि बिजनेस के लिए। एक घर चाहिए रहने के लिए, और जो बेच रहा है उसका बिजनेस है घर बेचना। तो इन लोग स्पेशली कॉम्प्लेक्स वाला जो बड़े बड़े बिल्डर्स है, इन लोग पैसा आपका मेरा पैसा लेके ही ना, ये लोग सैलराइड लोग रख देते हैं जो लीगल केस को डील करे। तो एक एक कंपनी के खिलाफ आपको 200-300 केस तो आराम से मिल जाएगा। और ये लोग ऐसे ही बोलता है 300 केस है और एक हो जाएगा तो 301 उसमें क्या है। और ये सच बात है, इसका जो लॉयर लोग है ना, ये लोग चारों तरफ इसका सेटिंग है, कनेक्शन है, इन लोग डिले करने में माहिर है, डिले करते जाएंगे। और आप आपका काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कितना दिन भाई इसके पीछे लगे रहोगे, कितना दिन, कितना साल। जबकि हमारे गवर्नमेंट को ये चीज़ का जजमेंट देने के लिए 2 मैक्सिमम 3 दिन का टाइम चाहिए, 3 सिटिंग का टाइम चाहिए। चलिए 3 सिटिंग 3 महीने में हो जाता है। एक में हेयरिंग होगा, आपका कंप्लेंट बताओगे, वो सुनेगा, दूसरा आएगा, दूसरे का बात सुनेंगे। सेकंड में वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद जिसको जो वार्निंग देना है वार्निंग होगा। और थर्ड में डिसीजन डिक्लेयर हो जाएगा। यही तो है, लेकिन इसके लिए 10-15 साल भी लग जाता है अपने देश के, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। सबके लिए ये सिस्टम नहीं है, ये बनाया गया है जो सेलर्स को प्रोटेक्ट कर सके। आप लोग शायद एग्री ना हो, बट दिस इज़ द ट्रूथ। सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग सफ़र कर रहे हो, भाई कोशिश करो कि चुपचाप फ्लैट ले लो। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम है, एनर्जी है, केस करने के लिए कंपेंसेशन हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए, आप करो, लेकिन सबसे पहले फ्लैट ले लो। और दूसरा चीज़,
जो लोग फ्लैट लेने के लिए सोच रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो रीसेल फ्लैट खरीदो या चाहे तो आप लोग रेडी टू मूव फ्लैट खरीदो। आप लोग बेनिफिट पे रहोगे, सेफ रहोगे, शांति में रहोगे, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आपको पता नहीं है ये कितना बड़ा दलदल है। और क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर भी आप लोग केस कर सकते हो, लेकिन केस मतलब वही हो गया, ये केस देख, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग देख के फ्लैट लो, रेडी टू मूव फ्लैट लो। इवन ऐसा भी फ्लैट आपको मिलेगा जो मैं बताया ना, 9 मतलब पूरा कंप्लीट है, लेकिन एक भी लोग नहीं रहते हैं। मतलब ये है, वो फ्लैट कंप्लीट करके रखा है, उसमें कुछ भी लीगल इशू चल रहा है जिसके लिए वो लोग हैंडओवर नहीं दिया है, वो लोग खाली है पूरे के पूरा। अगर वो लोग आपको हैंडओवर इंस्टेंट दे देगा, आप पेमेंट करेंगे या आपका लोन क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो गया, तुरंत हैंडओवर दे देगा वो फ्लैट लोग। अगर आपको कहेंगे ना नहीं सर नेक्स्ट मंथ हैंडओवर का डेट है, तो आप नेक्स्ट मंथ जाके पैसा दो और फ्लैट लो, उसके पहले मत लो। रेडी टू मूव का मतलब प्रोमोटर उसके तरफ से रेडी है, पैसा दो फ्लैट लो, एक हाथ में दो एक हाथ में लो, ये कंडीशन है रेडी टू मूव। तो रेडी टू मूव फ्लैट ही लो, बाकी कुछ मत लो। फ्लैट के साथ पार्किंग देख लो, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। आप जब कभी भी रीसेल करने के लिए जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस सभी लोग सोचते हैं कि भाई पार्किंग है क्या, कवर्ड पार्किंग है तो अच्छा है, पार्किंग है क्या, तो पार्किंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पार्किंग एक साथ में ले लो। चलिए, ये आज वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, कभी कभी बहुत हंसी आता है ये प्रोमोटर को देख के, जब मैं फ़ोन करता हूँ मेरे को कुछ बात बोलता है, सोचता है दूसरा वाला सोचता है कि इधर कोई यू नो बहुत बड़ा सी बैठा हुआ है, ये सोच के मैं हंसता हूँ कि भाई मुझे पता है मेरा हाथ पैर बंधा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तेरे को छोड़ता नहीं। हम काम करके खाने वाले लोगों के पास टाइम नहीं है, हमें जो चीज़ चाहिए हम पैसे देके ख़रीदते हैं ना, तो पैसे का रिस्पेक्ट कीजिए, आपका काम का रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ भी चीज़ ख़रीदना है वो देख के जांच के कीजिए, उन लोगों का एग्रीमेंट में जो भी है ना, वो एक्चुअल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, बेसिकली वो वैलिड भी नहीं होता है हर केस में, तो थोड़ा देख के लीजिए, रेडी टू मूव लीजिए। जय हिंद। और आपको कोई भी सवाल हो आप लिख सकते हो, गाली भी देना है तो दे सकते हो, प्रोमोटर लोग स्पेशली, जो मर्जी आप लिखो। अगर आपको मेरा सजेशन सही लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा, मैं शेयर नहीं करने के लिए बोलता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये वाला वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि जो लोग ख़रीदने वाले हैं ना, ये माहौल तो ऐसे ही ख़राब है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, कोई लोग पैसा इकट्ठा किया है कि भाई ये घर खरीद लेंगे, सेफ साइड चले जाएंगे, इन लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग प्लीज़ शेयर करो। और हाँ, अगर ये वीडियो में मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं उस